अस्सलाम वालेकुम दानी भाई, कैसे हैं? पहुंच गए हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आपके लिए देखें, आज फिश मैंने बारबेक्यू की है। जजाक अल्लाह, आप देख के बताएं, देन आपने टेस्ट करनी है और फिर बताना है। इंशाल्लाह जी, जरूर। चेफ आई है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चेफ दोनों साइडें देखें, ये एक साइड तेरा फोन में चल रहा है, ये आसन में बैठे रहे। रिजवान भाई, बर्फ कब तक पड़नी है? मुश्किल आती है तो खुश्क की सर्दियाँ गुजरी गई। अच्छा, बर्फ बिल्कुल फ्रेश देसी रहू है, ये है बर्फी की तरह नजर आया। इसमें गरम मसाला है, दड़ा मिर्च है, हल्दी है, थोड़ी सी जीरा पीसा हुआ, लाल भाई लगा के कितनी देर छोड़ना है? 15-20 मिनट भी काफी होते हैं मछली को। ये फ्रेश है ना? बिल्कुल। बिल्कुल बर्फी की तरह मछली।
हम मैरिनेशन में ऑयल थोड़ा सा लगा देते हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि अंदर तक जज्ब हो जाता है। अंदर पई है इसके ऊपर लगा देना बस ये फिर और के साथ ना लगे साथ ना लगे क्रॉस इज ना ले जान भी ठीक
ਦਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਓ ਜੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਇਲਾ ਹਮਨੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦੀਏ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਪਈ ਪੱਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਾ ਸਕੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਚਿਮਟਾ ਲਾ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਚਿਮਟਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ
جی آپ کے لیے دیکھیں آج فش میں نے باربیکیو کی ہے. جزاک اللہ. آپ دیکھ کے بتائیں دین آپ نے ٹیسٹ کرنی ہے اور پھر بتانا ہے. انشاءاللہ جی ضرور. چس آئے گی ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ چس. دونوں سائیڈیں دیکھیں. یہ دھواں اندر آ رہا ہے نا. موجود آ رہا ہے.